हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन के बेबी बूट इसको आप सॉक्स भी कह सकते हैं और देखिए ये बिल्कुल मार्केट की तरह मैंने बना के कंप्लीट किए हैं इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और देखिए ये ज़ीरो से लेके करीब डेढ़ साल या दो साल के बच्चे के इजली आ जाएगा ये आप अपने हिसाब से बना सकती हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालेंगे और टेन नंबर इसमें हम सिलाई ले रहे हैं बूल के हिसाब से वर्तमान की बूल ले रहे हैं दो कलर की तो देखिए बूल को हम डबल करेंगे और इस तरह से हम फंदे यहाँ पे डाल के कंप्लीट करेंगे फंदे बिल्कुल सिंपल ले रही हूँ मैं जो बिगनर्स भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से भी फंदे डाल सकते हैं जैसे आप डालते हैं ऐसे ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे फंदे ले लेते हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने 32 फंदे ले लिए हैं 32 फंदे अब देखिए हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे और देखिए आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं आप फंदे आधे आधे करके और इसको फोल्ड करके देख लें और बेबी के ये लेग में पहना के इसको इस तरह से आप डाल के देख लें यहाँ से अगर ऊपर आ जाएगा तो नीचे आप रो बढ़ा के अपने हिसाब से इसको बना सकती हैं तो यहाँ से देखिए एक सीधा बोल अपने तरफ एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा इस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे ये देखिए पूरी रो हम ऐसे ही बुनेंगे एक उल्टा और एक सीधा ये देखिए इस तरह से आप जब आधे फंदे बुन लें यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह फंदे इधर हैं और सोलह इधर हैं तो ऐसे आप इंची टेप से बेबी का लेग नाप लें उसके बाद ये यहाँ पे नाप लें थोड़ा सा खींच के ये ऐसे ताकि लूज ना पड़े लूज थोड़ा हो भी जाए तो आप यहाँ पे डोरी डाल के इसको टाइट कर सकती हैं तो ये पूरी रो हम बना लेते हैं ऐसे ये देखिए लास्ट तक हमने एक उल्टा और एक सीधा बना लिया ऐसे ये देखिए लास्ट का फंदा उल्टा यहां से पलट लेंगे अब इधर से देखिए इधर से भी हम जो जैसा है उसको वैसे ही बुनेंगे जो सीधा है इधर से उसको हम सीधा उल्टा है उसको उल्टा एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से हम यहाँ पे चार रो बना के कंप्लीट करेंगे दूसरी रो ये है हमारी और ये रो हम कंप्लीट करके दो सलाइयां हम और बना के फिर आपको दिखाते हैं ये देखिए हमने चार रो बना ली हैं यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा अब पांचवी रो हम सीधे तरफ इसको बुनेंगे तो यहां से हम कलर चेंज कर रहे हैं अब चार रो हम इसकी भी बनाएंगे एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से पूरी रो हम ऐसे ही बुनेंगे इधर से और उस साइड से भी जो उल्टा है उसको उल्टा सीधा है उसको सीधा तो इसकी भी हम चार रो बना के कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं आगे ये देखिए हमने चार रो येलो की भी बना ली है अब देखिए वापस हम यहां से वाइट कलर लगा लेंगे तो वाइट कलर से हम फिर से एक फंदा उल्टा और एक सीधा इस तरह से बुनेंगे देखिए सीधा बुना भूल अपने तरफ किया एक उल्टा अब देखिए इसकी हम इसकी हमने चार चार रो बनाई अब यहाँ पे हम आठ रो बनाएंगे ऐसी बाइट की जैसे हमने चार बनाई है एक उल्टा एक सीधा अब यहाँ पे इसका दुगना बनाना है हमें आप तो चार रो ये हो गई चार ये हो गई तो हम आठ रो पूरी करेंगे बाइट कलर से अगर आपने ये रो बढ़ाई है तो आप ये ये वाली रो भी बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे आठ रो बना के फिर आपको दिखाते हैं सेम बनाना है एक उल्टा और एक सीधा ये देखिए यहाँ पे टोटल आठ रो मैंने बना ली हैं तो देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ आठ रो मैंने बनाई है इधर चार रो ये येलो से चार बाइट से तो इसका दुगना आपको यहाँ पे बनाना है अब देखिए हम यहाँ पे बाइट कलर से रो उल्टा उल्टा बनाएंगे इधर से भी उल्टा और उधर से भी उल्टा ऐसे सिंपल है इसको बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं तो यहाँ पे हम तीन रो बना लेते हैं इधर से भी हम उल्टा बुनेंगे वापस इधर से उल्टा फिर उल्टा फिर वापस फिर इधर से उल्टा तो तीन रो आ जाएंगी इधर छह रो दोनों तरफ की ये देखिए हमने छह रो बना ली हैं दोनों तरफ से उल्टी उल्टी तो एक दो तीन और इधर भी एक दो तीन अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तो अब ये बत्तीस फंदे हमें तीन जगह डिवाइड करने हैं तो देखिए आठ फंदे हम इधर रखेंगे आठ इधर रखेंगे और सोलह फंदे हम बीच में रखेंगे जितना भी आप बड़ा बनाएंगे फंदे आपके ऐसे ही होने चाहिए जो तीन जगह इस तरह से डिवाइड हो देखिए आठ हमने यहां लिए, लिए सोलह यहां लिए दुगने यहाँ के दुगने बीच में रहेंगे तो पहले हम देखिए यहां से इस फंदे को उतारेंगे ऐसे करेंगे अब हम आठ फंदे यहां से बंद कर देंगे एक दो तीन चार पाँच सात और आठ ये देखिए आठ फंदे हमने बंद किए अब यहाँ से देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह फंदे ये रह जाएंगे इधर के फंदे हम उल्टे तरफ आएंगे तब बंद करेंगे यहां से एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ ये देखिए ये रो हम बनाते हुए आए पलट लेंगे अब इधर से हम आठ फंदे इस साइड भी बंद करेंगे तो देखिए ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब देखिए मेरे पास सेंटर में सिर्फ सोलह फंदे बचे हैं तो अब हम इन्हीं सोलह फंदों को बुनेंगे तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यही सोलह फंदे हमें अभी बनाते हुए जाना है इसको उतारना है भूल अपने तरफ करना है यहाँ से देखिए ये तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आठ लाइन बना के कंप्लीट करेंगे एक हमने बना ली है सात और बनाएंगे फिर हम दिखाएंगे आपको ये देखिए फंदा घटाने के बाद हमने आठ रो बना ली है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और आठ ही रो हमारी इधर है एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ तो अब देखिए हम यहां से देखिए उल्टे तरफ हैं यहां से आप चेक कर सकते हैं बॉर्डर से तो यहाँ पे हम उल्टे तरफ से बूल को ऐड करेंगे कलर हम चेंज कर देंगे यहाँ से देखिए ये हम डिजाइनर सॉक्स बना रहे हैं तो इस तरह से हम ये वाली बूल ऐड कर रहे हैं यहाँ से हम पूरी रो उल्टा बुनेंगे उल्टे तरफ से देखिए इस तरह से अब देखिए इधर से हम एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे और एक फंदा यहां पे घटाएंगे तो इस फंदे को हम उतारेंगे भूल अपने तरफ करेंगे यहाँ पे हम ऐसे दो का एक कर देंगे और देखिए तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ पे ये वाला दो का एक इसको हम ऐसे बना लेंगे यहां से हम पलट लेंगे इस वाले को अब उतारेंगे भूल अपने तरफ करेंगे इस साइड में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे उल्टे तरफ ऐसे ही इसको बना लेंगे ऐसे देखिए ये देखिए यहाँ से हमने बना लिया अब हम इस वाले को फिर से उतार लेंगे भूल अपने तरफ फिर से दो का एक कर देंगे उसके बाद देखिए ये तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यहाँ पे दो का एक और इस फंदे को ऐसे बना लेंगे यहीं से हम पलट लेंगे इसको उतार लेंगे बूल अपने तरफ करेंगे इस साइड हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे इस साइड हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ उल्टा बनाते हुए जाना है ऐसे ये देखिए अब यहां से हम इस वाले को उतार लेंगे बुल अपने तरफ दो का एक कर देंगे दो तीन चार पांच छ सात आठ दो का एक नौ और ये दस सोलह फंदे में से दस फंदे हमारे पास रह गए अभी आप देखिए यहाँ से दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यहीं से पलट लेंगे और इस फंदे को वापस हम उतार लेंगे भूल अपने तरफ यहाँ पे दो का एक ऐसे तीन चार पाँच छ और देखिए ये सात दो का एक कर दिया आठ ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारे पास सोलह फंदे थे तो चार फंदे हमने इधर घटाए चार इधर घटाए अब उल्टी रो हम ऐसे ही बना लेंगे जैसे बना रहे हैं और इस वाली बुल को हम साथ में ऐसे रखते हुए ले जाएंगे या फिर आप कट करके भी लगा सकती हैं आगे हमें जरूरत है अभी इसकी ये देखिए आप देखिए यहाँ से हम फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इस फंदे से हम दो का एक करेंगे और इस फंदे से एक फंदे से दो फंदे करेंगे और यहाँ पे भी अभी हम दो का एक कर रहे थे तो घटा रहे थे अब हम बढ़ाएंगे तो चार फंदे जैसे हमने घटाए हैं वैसे ही हमें बढ़ाने हैं ये देखिए एक और उसको दोबारा बुन लिया दो यहाँ से अब हमें फिर से सोलह फंदे चाहिए अब इस पर एक बार हम ऐसे बुनेंगे इस साइड से और दूसरी बार इधर से इस फंदे को हम ऐसे ही बना लेंगे ये देखिए अब यहाँ से हम पलट लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस हो गए अब देखिए यहाँ से हम इस फंदे को उतारेंगे इस पे फंदा फिर से हम ऐसे बुनेंगे ऐसे बुन लेंगे तो दो फंदे एक फंदे से दो फंदे इस तरह से हमें यहाँ पे सोलह फंदे कर लेने हैं इसको हम ऐसे बुनेंगे ये देखिए तो दो फंदे बढ़ चुके हैं अभी हम दो फंदे और बढ़ाएंगे दो रो में अब देखिए इसको वापस तीन फंदे बढ़ गए इधर से ऐसे बुना इधर एक फंदा बढ़ा लिया उल्टी रो हम पूरा उल्टा बना लेंगे उल्टी रो हमने पूरा कर ली अब देखिए हम वापस यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे तीन फंदे बढ़ चुके हैं ये चौथा फंदा है तो यहाँ पे देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और देखिए ये चौदह और इसको ऐसे बुनेंगे पंद्रह और एक सोलह देखिए सोलह फंदे हमारे पास फिर से हो गए जैसे हमने एक एक फंदा घटाया वैसे हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया पलट लेंगे अब हम फिर से कलर चेंज कर लेंगे अब इस तरह की हमें ये सोलह रो दोनों तरफ की बनानी है यानी कि आठ रो तो हम यहाँ से ये वाला वाइट बुल लगा लेते हैं तो अब हम यहाँ पे सोला रो कंप्लीट करेंगे ऐसे देखिए तो अब हम यहां से बना लेते हैं फिर दिखाते दू ये देखिए इसके बाद हमने आठ रो बना ली है यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब देखिए सेम हम ये वाली डिजाइन डालेंगे तो पहले हम येलो कलर लगा लेंगे यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह आप देखिए यहाँ पे हम पहले दो का एक कर देंगे सीधे तरफ से ये देखिए इधर भी दो का एक ऐसे अब इधर हम इस फंदे को उतारेंगे बुल अपने तरफ उल्टी रो पूरा उल्टा बनाएंगे ये देखिए इस तरह से दो का एक कर दिया उसके बाद देखिए चार पाँच छ सात आठ नौ दस और यहाँ पे दो का एक तो दो फंदे इधर घट गए और दो अभी दो दो फंदे दोनों तरफ और घटाऊंगी मैं उल्टी रो बना लेती हूँ ये देखिए इसको उतार लेंगे उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद सीधी रो पे फिर से तीसरा फंदा घटा दिया मैंने ये देखिए यहां पर भी और फिर से उल्टी रो हम कंप्लीट करते हैं आप देखिए यहां पर चौथा फंदा भी घटा दिया मैंने ये देखिए तो सोलह फंदे में से अब देखिए आठ फंदे रह गए चार फंदे घट गए अब देखिए फिर से हम यहाँ पे सोलह फंदे करेंगे पहले हम ये रो उल्टा कंप्लीट करेंगे अब देखिए ऐसे एक बार इधर से दूसरी बार इस साइड से दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए अब हम बनाएंगे चार फंदे जैसे हमने घटाए हैं वैसे ही हम बढ़ा लेंगे देखिए एक फंदा इधर बढ़ गया एक उधर बढ़ गया उल्टी रो हम उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं देखिए इस तरह से अब देखिए यहां से हम इस फंदे को उतारेंगे बूल अपने तरफ इसको देखिए एक बार इधर से बुनेंगे ऐसे दूसरी बार ऐसे बुन लिया तो दो रो में दो फंदे बढ़ गए चार रो में चार फंदे बढ़ाने हैं ये देखिए एक से दो यहाँ से पूरा उल्टा ही बनाएंगे ये देखिए इस तरह से इसको हम एक उतारेंगे यहाँ से फिर से फंदा बढ़ाएंगे एक फंदे से दो फंदे देखिए एक बार इधर से और एक बार इधर से इस तरह से उल्टी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद अब देखिए फिर से एक फंदा उतार लिया अब दो और तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और देखिए इधर से बुनेंगे इसको वापस चौदह और पंद्रह और देखिए सोलह इस तरह से देखिए फिर से हमारे पास सेम ये वाली डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गई जैसे हमने यहाँ पे ये रो बनाने के बाद एक एक फंदा कटाया फिर बढ़ाया फिर प्लेन बनाया फिर यहाँ पे एक एक फंदा घटाया फिर हमने बढ़ा दिया अब हम यहाँ से सभी फंदे ये जो सोलह फंदे हैं इनको हम बंद कर देंगे दो का एक करते हुए उल्टी में एक दो तीन चार पांच छ सात इस तरह से हम कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया अब देखिए इसकी सिलाई हम करेंगे तो सिलाई को आपको ध्यान से देखना है पहले हम सबसे पहले इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ज्वाइंट करेंगे ये यह देखिए यहाँ से यहाँ पे हम इसको पक्का कर देंगे ताकि यहाँ से खुले नहीं ये वाली बूल हम अब कट करेंगे ये देखिए तो इस तरह से ये यह यहाँ पे आ गया अब देखिए हम येलो कलर की बूल लेंगे अब देखिए इसको हम से लेंगे ऐसे फोल्ड करेंगे और ये यह देखिए यहाँ से ये यह वाला जो येलो कलर का पार्ट्स है उसको हम पहले दोनों को सिल देंगे ऐसे देखिए हो गया यहां पे हम लॉक लगा देंगे इस तरह से और इस बुल को भी हम यहां से कट कर लेंगे ये देखिए अब देखिए इस साइड में भी हम इसे ये देखिए ज्वाइंट करेंगे यहां पर भी हम इसको अच्छे से ऐसे ये देखिए अब इसको भी हम यहां से कट कर देंगे अब देखिए ये वाला पार्ट्स जो है यहां पे हम जॉइंट करेंगे ऐसे तो ये आप किसी भी दोनों में से किसी कलर से कर सकते हैं देखिए इस तरह से यहाँ से आप सेंटर से भी आप कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस जगह से ऐसे तो देखिए हम इस जगह से करते हुए आएंगे या फिर आप यहाँ से सेंटर से इस साइड को कर लीजिए जैसे भी आपको लगे देखिए यहां से लेके हम यहां तक ये एडी का पार्ट्स आएगा इस तरह से फोल्ड होके अब देखिए ये हमने ऐसे यहां तक इसको सिलना है ये देखिए अब यहाँ से आप चाहें तो इसी कलर से सिल सकते हैं या फिर वाइट कलर की बूल से सिल सकते हैं तो हम इसमें वाइट ले लेते हैं अब देखिए ये वाला पार्ट्स यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलना है ये देखिए ये देखिए यहाँ पे भी आप चाहें तो येलो कलर से सिल सकती हैं मैंने इसी से सिल दिया अब देखिए यहाँ से हम इसको पक्का कर देंगे और कट कर देंगे आप चाहें तो यहाँ से भी इसको इसी बुल को लेके आ सकते हैं अब यहाँ से देखिए इसको भी हम बंद कर देंगे देखिए यहां पे हम इसको लॉक करेंगे अच्छे से ताकि यहां से ये यह खुले नहीं ऐसे और इस वुल को भी हम कट कर देंगे ये देखिए सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई इसको हम सीधा करेंगे ये देखिए इस तरह से ये बनके कंप्लीट हो गया आप चाहें तो इसको फोल्ड करके पहना लें बच्चे को या फिर आप इसमें डोरी भी डाल सकते हैं जैसे भी आप इसको पहनाना चाहें और ये वाले धागे हम बाद में कट करेंगे इस तरह से देखिए ऐसे देखिए इस तरह से ये बन के कंप्लीट हो गया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू